मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम मुंब्रा के शाहीन बाग में, और इस शाहीन बाग में जो दिल्ली के जामिया के जो छात्र हैं वो यहाँ पर जो है आए हुए हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से जामिया में जिस तरह से छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता हुई थी, हमारे साथ यहाँ पर अर्श मौजूद है। इनसे हम पुलिस ने जिस तरह से वहाँ पर कार्रवाई की थी उसी के संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से वहाँ जो पुलिस का रवैया था, प्रदर्शनकारी अलग बाहर थे, लेकिन जिस तरह से लाइब्रेरी में जो छात्र पढ़ रहे थे उनके ऊपर जिस तरह से पुलिस का जो है अत्याचार हुआ है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जो 15 दिसंबर के दिन काली रात के जो पुलिस जिस तरह अंदर घुसी थी, वो पूरी दुनिया ने वीडियोस देखी है, वो आपका बहुत बड़ा सबूत है। वो अपने आइन के लिए हम बहुत बड़ा सबूत मानते हैं। जिस तरह उनका रवैया रहा है, इन्होंने जो लाइब्रेरी में घुस के स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे उनको जितनी बुरी तरीके से मारा गया है, जितने घायल है, हमारे एक भाई की आंख भी चली गई है, और उसके अलावा 85 लोगों का हाथ पैर जख्मी है, जो फ्रैक्चर भी हो चुके हैं। क्योंकि मैं उस रात मैं भी खुद अंदर था, वो मंजर था, शायद बाहर का आदमी पहले देख लेता। 15 दिसंबर से पहले वीडियो सीसीटीवी फुटेज हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी वाइस चांसलर ये पहले दे दी थी, तो शायद ये पूरा हिंदुस्तान आज पूरा बाहर होता। हमारा भारत देश के नागरिक सभी सैकड़ों सोच वाले आज बाहर आ जाते, आंदोलन कर लेते, क्योंकि इन्होंने हर तरह से दबाव में रखा, हमारे वाइस चांसलर को भी दबाव में रखा बीजेपी वालों ने। और ये जिस तरह ये बोल रहे थे शुरू में कि हमारी तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं था, हम कोई अंदर नहीं गए। पुलिस का इसमें सबसे बड़ा झूठ सामने आया है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस का कहना था कि हमने छात्रों को नहीं मारा है, लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उससे साफ मालूम पड़ रहा है कि पुलिस वालों ने किस तरह से बर्बरता की है। दरवाजे को तोड़कर वो लाइब्रेरी में अंदर दाखिल होते हैं और जो पढ़ाई करते हुए छात्र हैं उनको मारते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, और बाहर भी अगर छात्र निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो बाहर भी कोई पुलिस वाले हैं जो उनको मार रहे हैं। इस वजह से वो दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और पीछे से छात्रों की पिटाई की जा रही है। बेशक हम तो पहले दिन से ही 15 तारीख से ही हम मीडिया वालों को ये बात बता, दिल्ली पुलिस झूठ बोली इस मामले में? बिल्कुल पूरा झूठ बोली। यहाँ तो वो इतना भी झूठ बोली कि हमने फायरिंग नहीं की थी, वो तो ये भी बोल रही है, और फिर 10 दिन बाद एक्सेप्ट कर लेती है हमारी तरफ से फायरिंग भी हुई है। उन्होंने एक्सपायर टियर गैस हमारे ऊपर चलाया, क्योंकि उनका कोई हिसाब देना नहीं होता। हमारे पास सबूत है, हमने अपने सबूत के तौर पर वो रख रखे हैं, जो हमने मीडिया को भी दिए है। एक्सपायर टियर गैस चलाकर जितना नुकसान एक्सपायर टियर गैस से हमें लोगों को पहुँचा है, जो लाइब्रेरी के अंदर शीशे फोड़ के उन्होंने टियर गैस अंदर डाले थे, जिससे कि लड़के बेहोश हुए, हमारे स्टूडेंट बेहोश हुए और वहीं मर जाए दम तोड़ दे, वो तो खुदा का शुक्र है जो हमारे लोग कुछ शीशे तोड़ के बाहर निकले जो बच चुके। क्योंकि हम पहले दिन से ही गोदी मीडिया को दिखा रहे थे, मगर गोदी मीडिया ने कुछ दिखाया नहीं। आज हमारी सोशल मीडिया छोटे छोटे हमारे सोशल मीडिया वगैरह और मीडिया वाले और NNTV ने बहुत सच्चाई दिखाई है, हमारा साथ दिया है। हम उम्मीद रखते हैं जो गोदी मीडिया नहीं दिखा रही उससे उम्मीद भी रखते हैं, इंशाल्लाह वो भी दिखाएगी। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है जिस तरह हमारे साथ बिहेव करा गया है, यहाँ तक कि मार के निकाला गया, अंदर भी मारा गया है। और हम निकलने से इसलिए डर रहे थे क्योंकि वो बाहर हमारे पर डंडे बराबर चलाए थे। बाहर निकलने के बाद इन्होंने जिस तरह हमें आतंकवादी को ऐसे सर पे हाथ रख के नीचे झुका के भेजा जाता है, उस तरह का इन्होंने बिहेव किया है। वो वीडियो भी आप लोगों के बीच आई हुई है, वो आपने अच्छे से देखा होगा। क्योंकि इन्होंने हमें जिस तरह बोल के निकाला, तुम आतंकवादी हो, तुम देशद्रोही हो। अच्छा, पुलिस वाले ऐसे शब्दों का वहाँ इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ बेशक, वो ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, बहुत गंदी, हम बोल नहीं सकते, इतनी गंदी गाली दी है। और उन पर हमें आतंकवादी का वो ब्लेम लगाते हैं, देशद्रोही का ब्लेम लगाते हैं, और बहुत उल्टे सीधे वर्ड यूज़ करते हैं कि तुम ये हम बंद करने आए, यूनिवर्सिटी बंद कर देंगे, तुम्हें तबाह कर देंगे, तुम यह देश छोड़ के जाओ। हमने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, उनके पैर भी पकड़े, बट उन्होंने किसी भी तरह का हमारे ऊपर रहम नहीं किया। क्योंकि उन्होंने साफ साफ तौर पे कह दिया था, हम तुम्हें ख़त्म करना है, तुम्हें यहाँ से देश से बाहर निकालना है। इस तरह उन्होंने अपना बिहेव करा। हम उसी दिन हमारे इमाम साहब जामा मस्जिद, जो जामिया की जामा मस्जिद है, इमाम साहब को भी मारा गया था, और कुछ बच्चे हमारे स्टूडेंट लाइब्रेरी से सामने ही मस्जिद है वहाँ से लोग हमारे स्टूडेंट भाग कर मस्जिद के अंदर घुस गए थे, उन्होंने मस्जिद के अंदर घुस के उन्हें भी मारा है। और हमारे जो गार्ड सिक्योरिटी गार्ड है यूनिवर्सिटी के, उनको भी बेरहमी से मारा गया। वीडियो जो रिलीज़ हुई है सीसीटीवी फुटेज, आखिर ये जो है इतना लेट क्यों हुआ इसको रिलीज़ करने में? देखो सीधा सीधा है, VC कहती है मुझे नहीं पता था, जबकि कोई भी पुलिस हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, बिना इजाज़त के यूनिवर्सिटी के अंदर घुस नहीं सकता। वहाँ पूरा ऊपर से ऑर्डर था, वो वाइस चांसलर को पता था, इसलिए वाइस चांसलर आई नहीं थी वहाँ, ना ही फ़ोन करके बोला गया था वहाँ रोकने के लिए, ना ही लॉक लगवाया गया था।
इसलिए ये सब साजिश थी अंदर घुसाने की और यूनिवर्सिटी बंद करने की साजिश थी, क्योंकि ये सोच रहे थे यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, लॉक हो जाएगी तो स्टूडेंट आंदोलन ख़त्म कर देगा। तो ये स्टूडेंट्स तो डर रहे थे बीजेपी वाले आरएसएस वाले, और इन्होंने वीसी हमारे वाइस चांसलर पर दबाव बना के ये काम कराया गया है। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कोई भी बाहर का स्टूडेंट बाहर का आदमी नहीं घुस सकता। हमारे जो गार्ड है सिक्योरिटी गार्ड है वो आई कार्ड देते हैं तभी अंदर एंट्री कराते हैं। पुलिस का कहना है कि बाहर के लोग अंदर घुस गए थे हम इसलिए घुसे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं गेट के पास भी, वो अच्छे से देख सकते हैं बिना आई कार्ड चेक के। जब तक आई कार्ड चेक नहीं होता स्टूडेंट का तब तक वहाँ एंट्री नहीं मिलती है। अच्छा, कुछ चैनल्स मीडिया वाले ये भी दिखा रहे हैं कि जो पत्थर लेकर एक शख्स वहाँ पर एक छात्र जो है खड़ा हुआ है उसको दिखा रहे हैं कि पत्थर जो है क्यों लेकर खड़ा हुआ है। जो भी दिखा रहा है उनसे मैं हाथ जोड़ के निंदा करता हूँ। मैंने शर्म करो, अब तो शर्म करो। लाइब्रेरी में कोई पत्थर पैदा नहीं होता, लाइब्रेरी में बुक थी और लैपटॉप थे, मोबाइल थे, वॉलेट। जब हम रात को 2-2:30 बजे के लिए हमारे हैदर भाई भी गए थे जो लोग घायल थे उन्हें उठाने के लिए, तो हज़ारों की तादाद में वहाँ लैपटॉप बैग और वॉलेट और मोबाइल वहाँ हमने कलेक्ट किए, जो हमारे प्रॉक्टर ने बाद में उन्हें सबमिट कर दिए, सबों को दे दिए जिसका था। क्योंकि जो जिसको सही लग रहा था अपने हाथ में वो सही, हमने जो हमारा स्टूडेंट है वो हमारे स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, उसका हाथ में वॉलेट था, हमने क्लेरिफाई कर चुके हैं उससे पूछ के। क्योंकि ये तो इन्हें मीडिया को सिर्फ एक छोटा सा भी एक क्लू चाहिए बदनाम करने के लिए, यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि इन्हें अभी तक इन्हें कुछ मिला नहीं है, इसलिए इन्होंने अगेंस्ट में ये वेरीफाई कराने के लिए दूसरों के माइंड में गलतफहमी डालने के लिए इन्होंने क्लू निकाला है, छोटी वीडियो निकाली है, फोटो निकाला। तो ये है अमित शाह हो मोदी हो, इन दोनों की कभी बनना अब बंद हो चुकी है। ये कुछ और कुछ बोलता है, अमित शाह चिल्ला चिल्ला के बोलता है एनआरसी आएगा, एनआरसी हम लागू करने वाले, और 22 जनवरी में ये हमारे मोदी 22 दिसंबर में मोदी जी ये रामलीला ग्राउंड में खड़े होकर बोलते हैं हमने एनआरसी की बात नहीं करी। ये पहली बात तो ये क्लियर होती है बहुत बड़े झुटले हैं, ये झुटलों की सरकार है। इसके अलावा हम बताना चाहते हैं आपको सीए नागरिकता देने की है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम खिलाफ़ ये आंदोलन इसलिए खिलाफ़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ के ये कानून बनाया गया है, इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। क्योंकि एनआरसी है, एनआरसी फर्स्ट स्टेप जो एनपीआर है, एनपीआर ये ला चुके हैं और एनपीआर को अप्रैल में अप्लाई करने वाले, एनपीआर वो फर्स्ट स्टेप है एनआरसी की। इसके अकॉर्डिंग एनपीआर के अकॉर्डिंग ये सारा डाटा कलेक्ट कर लेंगे, 22 क्वेश्चन जो अभी इन्होंने एक फॉर्म निकाल भी चुके हैं, 22 क्वेश्चन इन्हें पुटअप किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ये डाउटफुल सिटीजन ये क्लियर कर देंगे, और इसके अलावा जो एनआरसी से बाहर निकालना वो भी निकाल देंगे। तो हम इसको मानते नहीं हैं और सीए को भी नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने सीए को कानून तोड़कर हमारा संविधान तोड़कर इन्होंने ये एक्ट बनाया, इसलिए हम नहीं मानेंगे। हैदर जी, आप भी वही जामिया के ही छात्र हैं, तो आपने बहुत करीब से पुलिस को देखा है, जो पुलिस का जो वहाँ नज़रिया था, जिस तरह का पुलिस का व्यवहार था, तो क्या लग रहा था आपको उस समय कि आप वाकई में उस देश में रहते हैं जिस देश में पुलिस को हिफाजत करने के लिए कहा जाता है, लेकिन पुलिस की बर्बरता आपने आँखों से देखी? जनाब, बिल्कुल इस तरीके का नहीं लग रहा था, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि आज इस दुनिया में लास्ट दिन है। मैं आपको पूरा वाक्य बताता हूँ कि 13 तारीख से तकरीबन दिसंबर से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। 15 तारीख को हम जुलेना की साइड गए कुछ लोग, तो जब जुलेना की साइड कुछ लोग गए थे फिर वहाँ से प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुका था, तो मॉब को वो भगाते भगाते ला रहे थे, कुछ लोग लाइब्रेरियों में पढ़ रहे थे, तो वहीं से ही उन्होंने फायरिंग स्टार्ट करी है। कई हमारे यार दोस्तों को बाकायदा बुलेट्स वगैरह लगी हैं उनके लेग्स वगैरह थाई वगैरह पे, वहाँ इंजर्ड होने के बाद फिर उन्होंने क्या करा, जो गेट पर जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं उन पर लाठियाँ मारी हैं, फिर उनको हटा के तब जाके विद वेपन्स के साथ वो बढ़े हैं लाइब्रेरियों में जाके मारा है। फिर तकरीबन 1 बजे के करीब पूरा आज तक NDTV वगैरह सब आ गए थे, मैं प्रॉक्टर के साथ मौजूद था, हम लाइब्रेरियों में गए, लड़के चिल्ला रहे थे सर हमें बचा लीजिए, प्रॉक्टर साहब हम ऊपर हैं, प्रॉक्टर सर कह रहे थे अब आ जाइए, अब पुलिस जा चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब फिर हॉस्टलों में आप, यहाँ तक कि आपने जो जामा मस्जिद है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो फर्स्ट सफ होती है रो होती है, वहाँ इतना ब्लड मिला कि वहाँ जाके इमाम साहब को लाठियों से मारा, दोस्तों की आंखें चली गई, इस तरीके का बिहेव। उन्होंने कहा आओ मुल्लो आतंकवादियों, तुम्हें हम शिक्षा देते हैं, आज तुम्हें आज़ादी दे देते हैं, तुम किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हो ना, आओ तुम इस तरीके की आज़ादी। तो वो भयानक मंजर अगर शायद हर कोई देख लेता ना
तो उसकी आंखों में से आंसू जाता। उस दिन हम तो ये चाहते हैं कि खुदा ने मर्सी चांस दे दिया, हमें फिर दोबारा से दुनिया में ज़िंदा कर दिया, वरना वो तो एक तरीके से मारने के लिए ही आए थे, पूरे जामिया मिल्लिया इस्लामिया को ख़त्म करने के लिए आए थे, बर्बाद करने के लिए आए थे। उनका मेन मकसद ये था कि किसी भी तरीके से जो इल्म का इदारा है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, जहाँ अल्पसंख्यक लोग छात्र और छात्राएं यहां से एजुकेशन प्राप्त करते हैं, किसी भी तरीके से इसको ख़त्म कर दें। और वो ये कह रहे थे चिल्ला चिल्ला कि ये आतंक का अड्डा है जनाब, ये आतंक का अड्डा है। इतने सीआरपीएफ की फोर्स आ रखी थी, इस तरीके से मारते हैं कि कोई क्या उनके बच्चे नहीं हैं उनको थोड़ा। लड़के चिल्ला रहे थे सर प्लीज़, वीडियो वायरल हो गई है। ये वीडियो क्यों वायरल अभी क्यों नहीं? आपको पता है कि वीसी जो चांसलर है वो इंद्रेश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है उन्हें वीसी बनवाने में, बाकायदा रोक के गई थी ये वीडियो। अगर वीडियो पहले वायरल हो जाती थी तो पूरा हंगामा पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो जाता। मैं तो अब ये कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ चुका है, अब लोग मुसलमानों को इस तरीके से जो टारगेट कर रहे हैं ना पिछले 5 वर्षों में, चाहे जुनैद को मार दिया, एक हाफिज़ को 15 साल के बच्चे को, तबरेज अंसारी को मार दिया, रकबर को मार दिया, हर रोज़ लिंचिंग हो रही हैं, तो अब मुसलमानों को बहुत डर लगने लगा है इस देश में। और अब मुसलमानों को इस तरीके से बिहेव किया जाता है, हमें यकीन नहीं होता कि हम उस हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि जहां मुसलमानों ने 61,300 कुर्बानियों के नाम इंडिया गेट पे लिखे हुए हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या नहीं करा इस देश के लिए, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले। अच्छा, जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो चले गए, जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो चले गए, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश में इस देश को गुमराह कर रहे हैं। आज जो रोज़गार की बात थी, 15 लाख की बात थी, राफेल घोटाले की बात थी, नोटबंदी की बात थी, हर बच्चे को रोज़गार देना था, घर देना था, और महंगाई चरम पर है, तो इस देश को बार बार जो लूटने की कोशिश ये भाजपा सरकार कर रही है, अमित शाह सरकार कर रही है, आप यकीन करिएगा कोई एक होम मिनिस्टर अपने बेटे को BCCI का सेक्रेटरी बना रखा है, हजारों करोड़ों रुपये उनसे वहाँ से ठगा जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने फोर्स करा कि आप इलेक्शन लड़िए, महेंद्र सिंह धोनी ने मना कर दिया, तो उनको BCCI के जो सेक्रेटरी हैं जैसा उन्होंने मना कर दिया टीम से लेने के लिए। अब एक तानाशाही जो नाजीज जो हिटलर ने देश में करा था वही हो चुका है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से अब यही बात कहना चाहता हूँ, मीडिया पर तो हम क्या विश्वास करें। जी न्यूज़ सुभाष चंद्रा का है, वो राज्यसभा सांसद हैं BJP का, अंजना ओम कश्यप वगैरह आपको पता है कि वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं BJP सांसदों को, संबित पात्रा कोई ये कहता है कि गोली मार, जिस तरह से शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं उसके आधार पर लगभग भारत में प्रोटेस्ट जारी है, महिलाएं वहां से ही प्रेरणा लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब उसी प्रोटेस्ट को जो है वहां कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है रास्ते का हवाला देकर, तो क्या प्रोटेस्ट पर ऐसा वहाँ फ़र्क पड़ रहा है जो महिलाओं पर दबाव डाला जा रहा है कि प्रोटेस्ट ख़त्म किया जाए, वहाँ पर जो है तरह तरह के लोग आ रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, प्रोटेस्ट खत्म करने का दबाव लगातार डाला जा रहा है? जी बिल्कुल, दबाव बनाया जा रहा है। आपको पता है जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया पे पहले दिन फायरिंग हुई थी तो दूसरे दिन एक लड़का और फायरिंग करने आया, फायरिंग करने के बाद कुछ लोगों को वो जो BJP सरकार द्वारा तैयार किए गए उनको वो भेज रहे हैं और डेलीगेशन लेके कि आप किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करिए वरना हम आपका बुरा अंजाम कर देंगे। लोगों को शराब पिलाकर कभी गुजर, आपको पता है 2 जनवरी को क्या करा शिवसेना वालों ने, एक प्रेस रिलीज़ करी थी कि हम 2 तारीख को ये प्रोटेस्ट ख़त्म करा देंगे, फिर लोग आए थे, फिर किसी भी तरीके से वो शांतिपूर्वक हर तरीके से प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें बड़ा हाथ है, मैं तो ये कहना हूँ, माननीय जो अमित शाह जी हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, वो किसी भी तरीके से, मेन बात वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से दंगा हो, और वो पूरे तरीके से वार कर रहे हैं। कभी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि महिलाओं को आगे कर रखा है, खुद रजाइयों में बड़े पड़े हैं, तो मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूं कि आपको एक गरिमा होती है मुख्यमंत्री के बोलने की, आप इस तरीके की बात बोलोगे क्या? आपके घर में अगर बहन बेटियां नहीं हैं तो आप दूसरे की बहन बेटियों को टारगेट करोगे? शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात जो अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अगले दिन 2-2 बंदे गोलियां चलाने आ जाते हैं, कभी गुजर समाज गोलियां चलाने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो इस तरीके का ये जो टारगेट कर रहे हैं। बट ये जो शाहीनबाग की जो आवाज़ है आज देखिए, आप मुमरा में भी, चाहे भिवंडी में भी हो, मुंबई बाग में भी हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में गूंज रही है। और ये देश ना जाति मज़हब मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये तो 130 करोड़ की आवाम की लड़ाई है। और ये NPR CA और NRC में जिस तरीके से भटकाया जा रहा है ना लोगों के सामने, आपको पता है कि 1400 करोड़ रुपये का नुकसान वोडाफोन को चल रहा है, 500 करोड़ का MTNL को चल रहा है, BSNL को चल रहा है, एयर इंडिया को चल रहा है, रोजगार जा रहे हैं। मैं आप देश इतने बुरे संकट से गुजर रहा है जनाब, एक बांग्लादेश की जिसकी बात कर रहे हैं घुसपैठिया आगे, उसकी GDP बड़ी अप है, और हमारे हिंदुस्तान की, आपको पता है अभी हाल ही में माननीय ट्रंप साहब जी आ रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, 100 करोड़ रुपये का
100 करोड़ रुपए खर्चा करें, उनकी एक दीवार बनाई गई है बाकायदा की, जो झुग्गियाँ और झोंपड़ियाँ नादी के, किस देश की बात कर रहे हैं आप? इस देश में बड़ी गुर्बत है, इस देश को फिर दोबारा से जिन्ना वाला पैगाम था उसको लागू करने के काम जो कर रहे हैं ये सावरकर वाले सोच कर रही है, अमित शाह जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो जामिया के छात्र थे उन्होंने जिस तरह से पुलिस द्वारा जो वहाँ बर्बरता की गई है उसके बारे में बताया, जो आंखों देखा हाल इन्होंने देखा था वो चीज़ इन्होंने अपना दर्द यहाँ पर बयां किया है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, रॉ टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।